हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ जोन में। और आज हम जो बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम हुआ है उसका 100 में 100 आंसर की मिलाने जा रहे हैं और जल्द से जल्द मिला लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे सौरमंडल की किस ग्रह का रंग लाल है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। दूसरा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग लगा करके, तो ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो कैसा शब्द है, तो एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा, तो यहाँ स्पेनिश शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विशिष्ट फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर मुख्य कारण है कृषि सरकारी नीति। ठीक है, यहाँ पर सुव्यवस्थित सिंचाई की व्यवस्था भी हो सकती है, तो इसको आप सही से देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो 35 वर्ष। अगला प्रश्न है कि के सिवान किसके अध्यक्ष है, तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष, तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद राजेंद्र सेतु किस नदी पर है, तो दोस्तों राजेंद्र सेतु को मोकामा सेतु के नाम से भी जाना जाता है और यह गंगा नदी पर ही है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी सेतु है यह और गंगा नदी पर ही है, तो यहाँ सही जवाब होगा आपका गंगा नदी। ठीक है, चलिए यदि एक समचतुर्भुज की लंबाई, तो ये मैथ है, हालांकि इसका जो बनाया हुआ 5 होगा, 5 सेंटीमीटर इसके भुजा की लंबाई हो जाएगी, यह आप क्लियर है। रैखिक संवेग बदलने संवेग के बदलने की दर को, तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, यहाँ सही जवाब बल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल की निकालने का सूत्र क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई एल इंटू बी, ये तो सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत को यांत्रिक में बदलने का कार्य विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। मोटर जो है करंट लेता है और विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो जो प्रमेय होते हैं उनको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। चलिए प्रश्न संख्या 14, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी, तो ब्रज भाषा में थी। अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन है, अ वेटेड फॉर हिम अनटिल ही, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा कि उसको कार्यशील पूंजी कहेंगे, क्योंकि वो काम में लगेगा और मानव मतलब वह स्थिर पूंजी भी है, जो हाथ में मुद्रा है वह स्थिर पूंजी है, तो यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला, विश्व में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या रखा है, तो मोदी जी ने अपने नाम पे रखा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला, उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली तथा शुष्क हवाएं जो है, गर्म और शुष्क हवाएं लू कहलाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन कौन होगा, तो भूमि, या जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व अधिक है इसलिए भूमि नहीं होगा, पूंजी भी नहीं होगा, यहाँ पूंजी नहीं है, ज्ञान नहीं होगा, श्रम होगा क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सही जवाब श्रम। अग्नि का जो विशेषण शब्द है वो आग्नेय हो जाएगा। अगला, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वी एस रमा देवी थी, प्रथम महिला जो निर्वाचन आयुक्त थी वी एस रमा देवी। अगला प्रश्न है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग में आया था कहाँ, चीन में, कहाँ पे, चीन में आया, सॉरी रूस में, यहाँ पर सही जवाब आपका रूस हो जाएगा, कम्युनिज्म साम्यवाद। अगला, इसका 25 का आप बना लीजिए आसानी से, स्क्वायर वाला है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है बहुत अधिक होती है। ठीक, आगे, जल के अणुओं की गति पर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, तो उसको कहते हैं परासरण कहते हैं, यहाँ सही जवाब आपका हो जाएगा परासरण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो होगा कहता है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर किसकी परत जम जाती है, तो सिल्वर सल्फाइड की, ध्यान रखेंगे सिल्वर सल्फाइड किस परत जम जाती है, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी।
हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन थे? तो सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अयज्ञ, ठीक है, अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किस में? तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। चलिए आगे है कि मयूर भंज खाने लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है, ओडिशा की खान है, लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो यहाँ पर आप बस्तर आंदोलन, बिरसा मुंडा, जत्रा भगत, मंगल पांडे, मंगल पांडे नहीं होगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला है प्रश्न संख्या 30, भारत के कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली ही पहुंचे थे, हिंद चीन के क्षेत्र में भी सबसे पहले पुर्तगालियों की जहाज आई थी। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन है? तो गांव मेघालय में है, किस राज्य में है? मेघालय में है। अगला, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी मिलकर के गंगा बनती है कहां? देवप्रयाग। सही जवाब देवप्रयाग। अगला है मैथ का क्वेश्चन, इसको आप बना लीजिएगा। अगला, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंध है और यहाँ मानसूनी पवने चलती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है कि हार्मोन जो रुधिर शर्करा को, मतलब चीनी को पचाने में सहायता करता है, वो कहाँ से आता है? तो अग्न्याशय से, ठीक है। और कौन इसको पचाने की कोशिश करता है, मतलब पचाने का जो कार्य करता है, वह इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन अग्न्याशय से आता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका बी, सही जवाब बी हो जाएगा। अगला, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी दोनों। तो भूमि तो चाहिए ही, साथ ही श्रम और भौतिक पूंजी भी चाहिए, तो हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका सर्च कर लीजिएगा, मुझे लगता है देवीलाल नहीं रहे होंगे। आगे, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील, सभी जानते हैं। आगे, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है परावर्तन के कारण, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 48, युद्धिष्ठिर युद्ध जोर स्थिर जो कि ए हो जाएगा 48 का। अब देखते हैं 49, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, इसमें रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो कालिंदी शब्द जो है वो यमुना के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ यमुना जिन्होंने सही लगाया होगा उनका सही होगा। आगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। निम्न में से किस विकल्प के में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो उन्मुख सम्मुख, सम्मुख का अर्थ होता है सामने, किंतु उन्मुख का अर्थ हो जाता है किसी चीज का उन्मुखीकरण, बेहतर बनाना, तो ये हमारा बी हो जाएगा सही जवाब, बाकी सभी एक दूसरे के विपरीत सही है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है कहाँ? नींबू और संतरा में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 53, भारत में ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षक कौन होता है? तो RBI होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे, निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। अगला, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं, हिंदी है। मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो क्षुद्रांत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं, जो कि डी में होगा, ये सही जवाब होगा डी वाला, वस्तुएं, ठीक है, सही जवाब वस्तुएं। अगला है कि मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार से संबंधित है, सी। अगला, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, तो हिमालय पर्वत की जो उत्तरी पर्वतमाला है, सबसे ऊपरी पर्वतमाला है, वह हिमाद्री है, विरत हिमालय की, तो हमारा 59 का ए हो जाएगा हिमाद्री। आगे है कि दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, तो पंडित
द पंडित ऑफ काशी हो जाएगा, इसका सही जवाब 60 का सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे द साउंड केम एट, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, आसान है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कुछ मैथ के क्वेश्चन भी नहीं बनाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, जल्दी जल्दी चाहते हैं मिला दें। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहाँ पे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक पर्यावरणविद हैं, उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 कि ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके नियम से? केपलर के नियम से। किसके नियम से? केपलर के नियम से। अगला, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए, लिंगानुपात। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो सी, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। यदि कोण, दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो वे होंगे, तो मान लेते हैं कि एक कोण दूसरे का कोण का पूरक है तो दोनों न्यून कोण होगा, जैसे 45-45, 60-30। अगला प्रश्न 70 नंबर कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला है कि मूली रूपांतरण है, तो मूल का, मूली एक प्रकार का जड़ ही है। अगला कि 72 नंबर बनाइए, 73 है कि भारत में है तो बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ कोई भी दल अपना अस्तित्व बना सकता है। प्रश्न संख्या 74 है, ही द बुक वॉज रीड बाई हर, तो इसको आप बना लीजिए। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका कुंवर नारायण। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? तो रात्रि, रजनी, निशा। अगला 77 नंबर प्रश्न कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वास्तव में जमशेदपुर में की गई थी, जो साक्षी बिहार में पड़ता था उस समय तत्कालीन रूप से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, साक्षी बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत वर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है। चलिए अगला, बिहार की परीक्षा, बिहार का क्वेश्चन 79 बनाइए। 80, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो जब वायु उपस्थित रहेगा तो उसको वायवीय श्वसन कहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न होगा, तो सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न है 81 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। अगला, नाइट्रोजन गैस मेकअप, मतलब नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट है? तो 78% है नाइट्रोजन गैस। अगला, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का जो लाभ है वह है जीवन के मूल्यों का विकास। ठीक है, जीवन के मूल्यों का विकास। अगला कहता है कि द ग्रीक इन वेंडर्स इन इंडिया वेयर फॉलोड बाय, तो किसको फॉलो कर रहे थे? तो शक और हुंस को। ठीक है, चलिए आगे है कि केमिकल चेंज कौन सा है, मतलब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना यहाँ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। अगला, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो गेहूं, चना, सरसों है, ज्वार नहीं है, सही जवाब ज्वार हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने, जिनमें उन्होंने सरदार की उपाधि भी ली थी। अगला, जीडीपी का पूरा नाम क्या होगा? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का पूरा नाम, तो यहां पर हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, मतलब उनको काम ही नहीं मिलता है, इसका अर्थ है कि अल्प बेरोजगारी है, कम कम काम मिल रहा है। अगला है कि संतोष यादव गो फॉर द हर कॉलेज एजुकेशन, मतलब संतोष यादव ने कॉलेज एजुकेशन कहाँ से लिया था? संतोष यादव जो थी वो प्रथम महिला, मतलब द्वितीय महिला है जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और भारत की पहली महिला है, उन्होंने जयपुर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी।
अगला, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया, तो कोलकाता में 84 के अंतर्गत। अगला है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो फ्रांस की क्रांति ने। किसने? फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। अगला, बिस्मिल्ला खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? सहनाई, बिस्मिल्ला खां सहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला है, इस श्रेणी को पूरा करना, ये कर लेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, मैथ बना लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या और उनकी वाइफ की भी हत्या थी, तो यहाँ पर सही जवाब होगा 100 का बी। धन्यवाद, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर करें।